गोथिक मूवमेंट है ना, गोथिक मूवमेंट बेसिकली हैज बीन गिवन इन योर सिलेबस ग्रेड टू एंड ग्रेड वन स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन 2022 और स्कूल लेक्चरर सीनियर टीचर एग्जामिनेशन 2022 जो है उन दोनों में गोथिक मूवमेंट जो है वो दिया हुआ है। यदि हम इस मूवमेंट जो है इसको ध्यान से देखें और इसके अंदर क्या खास बात है उसको देखें तो निश्चित तौर पर आप इसको लेकर के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आप उनको इजीली कर पाएंगे। गोथिक मूवमेंट, दरअसल गोथिक मूवमेंट या गोथिक फिक्शन भी आप कहते हैं और 20th सेंचुरी में इसको गोथिक हॉरर भी कहते हैं। गोथिक फिक्शन, गोथिक मूवमेंट और गोथिक हॉरर, ये तीनों ही टर्म जो हैं आपस में एसोसिएटेड हैं, आपस में रिलेटेड हैं, आपस में इनका संबंध है। गोथिक मूवमेंट, गोथिक हॉरर एंड गोथिक फिक्शन। सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे दिखाई देती है वो ये कि ये एक पर्टिकुलर मूवमेंट है और जब मूवमेंट है तो इसका मतलब इसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं होती है, हम इसकी शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं देखते हैं। दोस्तों जब हम द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन की बात करते हैं 1745 टू 1798 जो है आपका ये जो एज है डॉक्टर द एज ऑफ जॉनसन जो है, इस एज में जिसको आप कई बार प्री रोमांटिक एज भी कहते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि द पीपल वर फेड अप विद द एज ऑफ द एनलाइटनमेंट, द एज ऑफ द रीजन, द न्यू क्लासिकल एज। इसके जस्ट पीछे अगर जब हम प्री रोमांटिक के जस्ट पीछे जाते हैं, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन जो उसके पीछे जाते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि वहाँ पर द एज ऑफ ड्राइडन और द एज ऑफ पोप है, ठीक है, उसी को हम द एज ऑफ रीजन कहते हैं, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं। न्यू क्लासिकल एज जो है आपका उसके कई सारे नेम्स हैं और उन कई सारे नेम्स में जैसे यहाँ पर आपका जो है, ठीक है, एज ऑफ ड्राइडन है, ठीक है, द एज ऑफ ड्राइडन, और ये आप जनरली कहाँ से कहाँ मार्क करते हो, 1660 टू 1700 मार्क करते हो, और ये है आपका द एज ऑफ पोप, ठीक है, इसको आप 1700 टू 1745 जो है मार्क करते हो 1745, और ये जो है आपका वो है एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ जॉनसन। तो ये एज ऑफ जॉनसन जो है ये प्री रोमांटिक एज भी कहलाता है और इसको हम 1745 टू 1798 मार्क करते हैं। ये दोनों एज, द एज ऑफ पोप एंड द एज ऑफ ड्राइडन, द एज ऑफ ड्राइडन एंड द एज ऑफ पोप, इन दोनों को हम जो हैं द एज ऑफ रीजन कहते हैं, द एज ऑफ रीजन कहते हैं और द एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं, द एज ऑफ रीजन एंड द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। हम इसको द एज ऑफ रीजन और द एज ऑफ एनलाइटनमेंट जो कहते हैं, ठीक है, इन दोनों एजेज को। अब यहाँ पर जो है अगर जो हम देखें एज ऑफ जॉनसन के और यहाँ पर इन दोनों के बीच में, यहाँ पे जो फिक्शन है वो नोवेल जो है वो आपका रिचर्डसन जो है, ठीक है, स्मोलेट जो है, ठीक है, स्टर्न जो है, ठीक है, और फील्डिंग FIELDING सबसे ऊपर लिखना चाहिए था मुझे इसका नाम, ये आपके द फोर व्हील्स ऑफ नोवेल जो वो कहलाते हैं। अब ये जो नोवेल हैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले जॉनसन से, रिचर्डसन, स्मोलेट, स्टर्न, एज ऑफ जॉनसन के अंदर ही है ये, इनका जो फिक्शन था ये रियलिस्टिक फिक्शन था, है ना, वास्तविकता जो है वो बताई जाती। कल भी आपको याद होगा हमने प्रेडिसेसर्स ऑफ रियलिज्म किसको कहा था, हमने प्रेडिसेसर्स ऑफ रियलिज्म में फील्डिंग का नाम लिया था, रिचर्डसन का नाम लिया था, अगर जो आपको याद है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं कर लेना, रिचर्डसन और फील्डिंग जो है उनका नाम लिया था द प्रेडिसेसर्स ऑफ रियलिज्म के अंदर। इनका जो नॉवेल है वो रियलिस्टिक है, रियल लाइफ को बताता है, ठीक है, काफ़ी हद तक जो है आपके डे टू डे लाइफ को बताता है। अब ये जो फिक्शन था इससे जो है लोग जो हैं आपके बोर हो गए, ठीक है, इस रियलिस्टिक फिक्शन से बोर हो गए। सबसे पहली चीज़ यू विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन द गोथिक फिक्शन वेयर डज इट एग्जिस्ट, कहाँ पर है ये, ये आपका इस काल में है, इस कालखंड में है, ये 18th सेंचुरी में है, 18th सेंचुरी में है, और इसका प्रभाव इतना बड़ा था कि ये 19th सेंचुरी में भी चला,
ये विक्टोरियन एज तक भी चला, ठीक है। 18वीं शताब्दी का एक मोमेंट जो 19वीं शताब्दी में भी आप उसको देख सकते हैं, एंड इट ऑल्सो क्रॉस्ड द बाउंड्रीज एंड रीच टू अमेरिका। ये आपका अमेरिका भी जो पहुंचा। गोथिक फिक्शन जो है आपका वो रिएक्शन किसका है, नंबर वन कब एग्जिस्ट करता है, लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी जो है उसके अंत में या लेटर हाफ में। नंबर टू, ये किसके अगेंस्ट एक रिएक्शन है, किसके अगेंस्ट एक प्रतिक्रिया है, ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट या एज ऑफ रीजन जो है उसके अगेंस्ट एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि इनका इनका जो लिटरेचर है, इनका जो लिटरेचर है वो काफ़ी हद तक रियलिस्टिक है। लोग बोर हो जाते हैं भाई। अब आप सोचो कि लोग बॉलीवुड की फिल्में देख देख करके, है ना, करण जौहर और आमिर खान जो है इनके जो फ्रिवलेस इमोशंस जो है इनको देख देख करके जो है बोर हो गए, ठीक है। अब बोर हो गए, उनको कुछ नया मिल नहीं रहा, नया किसने दिया, साउथ इंडस्ट्री ने, और इसलिए लोगों ने उसको जो है वो हथवात लिया। ये इस बात को समझ नहीं पा रहे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि हमारी फिल्में जो हैं वो बायकॉट या बॉयकॉट जो उसके कारण पिट रही हैं। नहीं, जब आप कुछ नया नहीं करेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे, आप टर्मिनेट हो जाएंगे, आप वैनिश हो जाएंगे, आप डिसअपियर हो जाएंगे, आप गायब हो जाएंगे, आप इस दृश्य से उठ जाएंगे, आप इस दृश्य से उठ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो लोग थे रियलिस्टिक थे, तो यहाँ पे गोथिक फिक्शंस, गोथिक फिक्शन आता है। गोथिक फिक्शन क्या है, डरावना उपन्यास है, भूतहा उपन्यास है, वहाँ पे भूत प्रेत हैं, ठीक है, वहाँ पे भूतनियाँ हैं, प्रेतनियाँ हैं, है ना, और वो जो सुपरनेचुरल है, गोथिक सुपरनेचुरल जो है आपका, ठीक है, वो आपका जो आपका स्कोलरीज का जो सुपर नेचुरल उससे बिल्कुल अलग है। शेक्सपियर का जो सुपर नेचुरल वो बिल्कुल अलग है। देखिए, शेक्सपियर ने एलिजाबेथन एज में और कॉलरीज ने इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में, कॉलरीज इसके बाद आता है, वो जो सुपर नेचुरल है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ये जो सुपर नेचुरल होता है ये बड़ा क्रूड होता है, बड़ा अगली होता है, मतलब कंकाल यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, समझे, बड़े बड़े कंकाल जो है वो दिखाई, कंकाल बड़े छोटे क्या होते हैं, कंकाल तो कंकाल होता है, कंकाल दिखाई देते हैं। भूत प्रेत ऐसे मांस फाड़ करके जो है रक्त निकाल करके, है ना, आमतौर पे ये काम जो प्रेतनियों का होता है, भूतनियों का होता है, भूतों का नहीं होता है, रक्त निकाल करके जो है कटोरे में डाल करके, आह है, सोस की तरह पीती हैं उसको जो है भूतनियाँ जो हों, खून निकाल करके जो है ना, और लाल लाल उनके लिप्स जो हैं, लैक्मे वाले नहीं, लैक्मे वाले नहीं, खून वाले, है ना, तो ऐसे, है ना, शरीर की चीड़ फाड़ करना है, मतलब ऐसा जो है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में भी ये ट्रेंड जो है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। भारत में भी 90 के दशक में दो भाई हुए थे जिनका नाम हुआ, नाम था तुलसी राम से और श्याम राम से। उन्होंने टीवी पे भी कई सारे प्रोग्राम बनाए, जी टीवी वगैरह पे भी बनाए, एक ट्रेंड सेट किया। उस ट्रेंड में क्या होता था, उस ट्रेंड में आपका जो है भूताहा फिल्में जो है वो बनाई गई थी उन दोनों ब्रदर्स के द्वारा, राम से ब्रदर्स के द्वारा, तुलसी राम से, श्याम राम से, और उनका प्लॉट मोर और लेस सेम ही होता था, मोर और लेस सेम ही होता था। क्या होता था कि कुछ यंगस्टर्स जो हैं, है ना, जनरली कपल्स होते थे दो या तीन जो हैं, उनमें से एक कपल जो हैं, उनमें से एक मेल या फीमेल पार्टनर जो हैं वो उनको लेकर के जाता है अपनी किसी पुरानी हवेली में। इसकी जो सेटिंग होती है गोथिक फिक्शन की, वो कुछ ऐसी होती है कि भी वो उसको उस पुरानी हवेली में लेकर के जाता है अपने दोस्तों को, और वहाँ पे जो है वो भूत प्रेत है उस हवेली में। जनरली एक सा प्लॉट होता है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें सेक्स जो है उसका इनपुट भी डाला जाता है, है ना, माने वो वहाँ से निकलते हैं फिर हवेली में पहुँचते हैं, जनरली रात को ही पहुँचते थे वो, है ना, जो हिंदी फिल्मों में है वही वहाँ पे है गोथिक फिक्शन में, कुछ अलग नहीं है। अब जनरली रात को ही पहुँचते थे, दरवाज़ा खटखटाते थे, दरवाज़ा खटखटाते थे तो एक रामू काका टाइप का नौकर आता था, गंदी सी शक्ल का, लालटेन लेकर के दरवाज़ा खोलता था, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, अरे भाई हम हमारे हमारा घर है, हमारा महल है, हमारे पूर्वजों का महल है, हम इसलिए आए हैं, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, क्यों जाएंगे भाई, इतनी दूर से आए हैं, इतना महंगा पेट्रोल है, हैं तुम्हारे बाप का क्या जाता है, हम तो यहाँ रहेंगे, और फिर वो वहाँ रहते हैं, है ना, फिर वो
बात वो शुरू होती है, डरावनी चीज़ें जो हैं वो। कभी उनको खिड़की के बाहर भूत दिखता है ना, फिर जब दरवाज़ा खोलते हैं तो वो आवाज़ें जो हैं ची है ना ऐसे, और बंद दरवाज़ा और ये वो फिल्में बनी उनकी जो हैं। और उनके बारे में ये कहा जाता था कि अगर जो थिएटर में कोई बैठ करके अकेला इस फिल्म को देख लेगा तो उसको 1,000 रुपये मिले। उस ज़माने में 1,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, आज भी बड़ी बात है। तो उसको 1,000 मिलेंगे, 500 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये, ऐसे है ना, ऐसे र्यूमर्स होती थी, ऐसी फिल्में बनी थी। द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द गोथिक फिक्शन इज दैट है ना, द क्रूड सुपर नेचुरल, भूत प्रेत वायलेंस हिंसा खून हाँ खराबा हैं, ऐसे शरीर को चीर रहे हैं, हैं अंदर मुंह डाल करके खून पी रहे हैं, हार्ट निकाल लिया, हार्ट निकाल करके उसको खेल रहे हैं उसको, हैं ना। आप में से कहेंगे कि ये कौन सा नया काम है, आज भी कई लोग जो हार्ट से खेलते हैं। हाँ बिल्कुल खेलते हैं, तुम्हारी दुखती रग पे हाथ रख दिया सुबह सुबह। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ चलता था, ये गोथिक फिक्शन में चलता था। अच्छा, हुआ क्या था कि एक व्यक्ति जो है जिसका नाम जो है वो होरेस वालपोल था, होरेस वालपोल जो है ये एक लड़का था 19-20 साल का, उसने एक नॉवेल जो है वो लिखा था, ठीक है, 1890 के समथिंग आई थिंक है जहाँ तक मुझे याद है, अभी मैं अभी प्रेजेंटेशन दूंगा। उसका नाम था द कैसल ऑफ ओरेंटो, है ना, कैसल माने किला, द कैसल ऑफ ओरेंटो। तो वो आपका जो है हिट हो गया था, इतना हिट हो गया था कि पूरा ट्रेंड ही सेट हो गया। जब एक एक ऐसी फिल्म, एक ऐसा नॉवेल हिट हो जाता है ना, तो उसके ऊपर दूसरे लोग भी बनाने लगते हैं, है ना। आगे दूसरे नॉवेलिस्ट जो हैं, ज़्यादातर महिलाएं थी जो ये लिखना था गोथिक फिक्शन जो है। होरेस वालपोल तो इसका जनक है, फाउंडर है। सबसे बड़ा प्रश्न ही इसका गोथिक मूवमेंट का ये है कि गोथिक मूवमेंट का जो वोग है, फैशन जो है, वो किसने सेट किया था? होरेस वालपोल ने सेट किया था। कैसे किया था? ऐसे किया था। तो ये कहानी है पूरी किसकी? द गोथिक फिक्शन की, जिसको डिटेल से मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। क्या कहानी है कि यहाँ पर 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में, जो आप 1745 से 1798 करते हो, यहाँ पे जो है आपके कुछ लोग आते हैं, है ना। और ये रोमांटिसिज्म ही तो है, बताओ क्यों नहीं रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म 1798 में आया, और रोमांटिसिज्म क्या है? काल्पनिक साहित्य है ना, काल्पनिक साहित्य है। तो ये रोमांटिसिज्म का एक सब जोनर है, ये रोमांटिसिज्म जो है उसका एक सब जोनर है। ये क्या है? उसका एक सब जोनर है, रोमांटिसिज्म का सब जोनर है, माने रोमांटिसिज्म का ही एक पार्ट है गोथिक फिक्शन। भाई क्या है इसमें? सुपरनेचुरल है ना, सुपरनेचुरल आपको कॉलरिज में भी दिखता है, सुपरनेचुरल आपको जो कीट्स में भी दिखता है ना, लेकिन कुछ अलग है ये। ये सुपरनेचुरल क्रूड है, भद्दा है ना, इसमें कंकाल है, खून खराबा है, वायलेंस है, खून की नदियाँ हैं, भूत प्रेत हैं, मर्डर है। पक्का जो 6 लोग जाते थे ना उस हवेली में, एक दो सलट जाते थे, वहीं रह जाते थे, है ना। और वहाँ पे आत्मा होती थी, आत्मा क्या होती थी? हर प्लॉट में ऐसा होता था कि उसको बदला लेना होता था। 3-4 सदियों पहले जो है किसी जैसे कोई एक लड़की है जो यहाँ रहने आई है, उसके दादा ने जो वहाँ की नौकरानी जो है उसका रेप करके उसको गाड़ दिया जमीन में। अब वो इंतजार कर रही कि मैं बदला लूँगी और इसकी पूरी जनरेशन को, पूरे खानदान को ख़त्म कर दूंगी, है ना। और वो वहाँ पर बैठी बैठी वेट करती है, वो आएगी एक दिन, आ गया, अब उसने लेना है बदला, और बदला वो लेती है बढ़िया मज़े से जो है ना। तो ये आपको बताएंगे कौन से एज के अगेंस्ट रिएक्शन है, इस एज के अगेंस्ट, एज ऑफ रीजन और एज ऑफ एनलाइटनमेंट, इसके अगेंस्ट। ये भी बढ़िया प्रश्न है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन से एज के अगेंस्ट एक रिएक्शन है, इसके अगेंस्ट एक रिएक्शन है। कुल मिलाकर के इसको लेकर के और क्या क्या बातें हैं जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले गोथिक लिटरेचर वॉज ए 18th सेंचुरी वॉज, ठीक है, एन 18th सेंचुरी है ना, 18th सेंचुरी लिटरेरी मूवमेंट, दैट फोकस्ड ऑन डेथ, मृत्यु, डिके एंड बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल टेरर। ये टेरर का है भाई, ठीक है, ये भय का नोवेल है, भय जो है उसका नोवेल है, ठीक है, टेरर का है, खून खराबे का है, कंकाल का है, स्केलेटन्स जो है उनका है,
यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है द्वंद किसके बीच में होता है, मैन वर्सेस सुपर नेचुरल, ठीक है, अदृश्य शक्तियां, सुपर नेचुरल, भूत प्रेत, भूतनिया प्रेतनिया, ठीक है, जो रात को कॉरिडोर में घूमती है सफेद साड़ी पहन करके, जो हाथ में मोमबत्ती लेकर के जाओ, अरे अब जमाना गया तो मोमबत्ती लेके घूमती हो, चाइनीज लाइट लेके घूमो 15 रुपए वाली है। तो यहाँ पे मैन वर्सेस सुपर नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है, मैन वर्सेस सुपर नेचुरल जो है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो वो रहता है आदमी और अदृश्य शक्तियों के बीच में। और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे इजी प्रश्न है, सबसे इजी पेपर आएगा तो ये प्रश्न आएगा। द वोग का मतलब होता है फैशन, ये जो ट्रेंड है, ये जो फैशन है, ये जो ट्रेंड है आपका, वो सेट अप, वो सेटअप बाय होरेस वालपोल। मैंने जो है वो 1890 गलत, 1890 तो भैया वो हो जाता है 19वीं शताब्दी हो जाती है, हाँ 19वीं, हम तो 18वीं की बात कर रहे हैं, 1745 से 1798 के बीच में था ना, तो 1764 का है, 1764 नोवेल द कैसल ऑफ ओरेंटो, ये उस नोवेल का नाम है, ठीक है। और इसका जो सब टाइटल था, लेटर सब टाइटल्ड ए गोथिक स्टोरी, एक गोथिक स्टोरी, एक गोथिक स्टोरी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो गोथिक शब्द जो है इसकी एटिमोलॉजी जो है वो क्या है, ये आया कहां से गोथिक शब्द, इसके ऊपर भी प्रश्न बनेगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा, भाई गोथिक शब्द आया कहां से। गोथिक शब्द जो है वो आया, देखिए कि हाँ, गोथिक शब्द कहां से आया, गोथिक जो टर्म है ये कहां से आई, दरअसल गोथिक टर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ऑर्नामेंट आर्किटेक्चर क्रिएटेड बाय द जर्मनी ट्राइब्स कॉल्ड द गोथ्स। जर्मनी में एक ट्राइब थी, एक कबीला था, ट्राइब थी, जनजाति थी, उसको कहते थे गोथ्स। और गोथ्स जो होते थे उनका जो है ना वो आर्किटेक्चर बहुत शानदार जो है, वो ऑर्नेट आर्किटेक्चर जो है, मतलब उनका जो आर्किटेक्चर होता था बड़ा शानदार, कलाकृतियाँ बनाते थे, बड़ी शानदार कलाकृतियाँ जो बनाते थे गोथिक गोथ लोग जो हों, जर्मनी की ट्राइब थी गोथ, वो बड़ी शानदार जो है वो बनाते थे। तो अब ये जो गोथ शब्द जो है ना, ये आया था आपका आर्किटेक्चर से, ठीक है, ये आपका जर्मनिक ट्राइब थी, ठीक है, गोथिक शब्द जो है वो आपका आया था गोथ से। और गोथ जो है वो कौन है, ट्राइब है जर्मनी की, है ना, ये लोग जो है वो आर्किटेक्चर जो है इनका बहुत ज़्यादा गजब होता था। अब ये जो आर्किटेक्चर जो है ये मिडाइवल एज का जो है वो होता था, इसीलिए गोथ शब्द जो है वो धीरे धीरे मिडाइवल कहा जाने लगा। गोथ शब्द का मतलब मध्ययुगीन, मध्ययुगीन क्यों, क्योंकि गोथ्स मध्य युगों में थे, उनकी कलाकृतियां बड़ी श्रेष्ठ थी। आज भी अब जब हम अरब कंट्रीज की बात करते हैं, मध्य युगों की बात करते हैं, ऐसे कंट्रीज की बात करते हैं जहां पर जो है वो मिडाइवल एजेस थे, तो आप देखिए, आपने देखे हैं पुरानी फिल्मों में, गांव में बड़े बड़े घर, बड़े बड़े दरवाजे, भाई साहब इतना बड़ा दरवाजा होता था जिसकी हाइट होती थी 12-13 फुट, और उसके बड़े बड़े गेट होते थे, बड़े बड़े गेट होते थे, और उन गेट के बीच में खिड़की होती थी, आना जाना उसी खिड़की से होता था, और बड़ा जो गेट होता था, जो 15-20 फुट बड़ा गेट होता था, उसके ऊपर स्पाइक्स होते थे, लोहे की वो बनी होती थी स्पाइक्स जो है, ठीक है। और बड़ा गेट कब खोला जाता था, जब घर में कोई वार त्यौहार फंक्शन होता था, टेंट वेंट लगता था, तब बड़ा गेट खुलता था। ये मिडाइवल एजेस की निशानियाँ हैं, ठीक है। क्रिस्टाबेल कॉलरिज की पोइम में भी हम देखते हैं, पता नहीं कहाँ, तो गोथ का मतलब हो गया आपका मिडाइवल। तो मिडाइवल एज में जो ये रहता था, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा नोवेल जो है वो कहाँ सेट किया जाता था, किसी बड़ी सी हवेली में, मिडाइवल मेंशन होता था, मध्ययुगीन महल होता था, कई बार वो चर्च होता था, मध्ययुगीन चर्च होता था, कई बार वो खंडर होते थे, ठीक है। तो ये उसकी सेटिंग होती थी, ये उसकी सेटिंग होती थी। तो और क्या क्या बातें हैं, है ना, द जनर द जोनर वॉज ओरिजिनली थॉट टू बी रिस्पॉन्स टू द एज ऑफ रीजन, है ना, और द एनलाइटनमेंट, ये रीजन और एनलाइटनमेंट जो है उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन है, एक प्रतिक्रिया है, भाई तुम सारे दिन रियलिटी रियलिटी करते, हम तो ये रियलिटी देखने आते हैं। आप सपोज करिए
आप अपनी जिंदगी में परेशान परेशान हो नहीं हो? परेशान तो सारे हैं यार, ऐसे झूठ मत बोलो सुबह सुबह। जिंदगी में परेशान हो और फिर तुम थिएटर जाते हो, फिल्म देखने जाते हो, और वहां भी तुम्हें यही कहानी मिले आटे दाल की, वहां भी तुम्हें पति पत्नी का झगड़ा जो है वो दिखाई दे, आप क्या कहेंगे? बोले यार इसी को छोड़ के तो आया हूँ 3 घंटे, तुम फिर ये दिखा रहे हो। तो वहां पे तो तुम्हें कोई है ना ऐसी फिल्म हो, थोड़ी देर के लिए तुम जो है गाना बज रहा हो ना पीछे, सिंघम सिंघम सिंघम, थोड़ी देर के लिए तो सिंघम बन जाओ, है ना। बाद में घर पे आके तुम्हें चूहा बनना ही है, घर पे आकर के तुम्हारी घिग्गी जो बननी है, वहाँ कुछ देर के लिए तो तुम सिंघन बनते हो ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो एज ऑफ रीजन था, रियलिटी, एनलाइटनमेंट रियलिटी, उसके अगेंस्ट एक प्रतिक्रिया थी, भाई तुम ये क्या लिखते हो, हम लिखेंगे, तुम्हें ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में, है ना। नोवेल पढ़ेंगे ना, रात रात भर पढ़ते हैं नोवेल के, देखें भाई भूत क्या था, प्रेत क्या था, ये क्या था, वो काल्पनिक दुनिया में लेके जाते हैं, मस्त दुनिया जो, ठीक है, जहाँ पे भूत प्रेत है ना ये वो सब होता है। चलिए, तो ये एक रिएक्शन किसका है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होरेस वालपोल के अलावा और कौन कौन लोग थे, इनके नॉवेल्स के नेम भी याद रखने हैं, क्लैरा रीव, एन रेडक्लिफ, विलियम थॉमस है ना, बैकफोर्ड एंड मैथ्यू लेविस। ये मैथ्यू लेविस जो है ना, इसका नाम कुछ खास है, पता है क्यों? मैथ्यू लेविस जो है, इसने एक नॉवेल लिखा था मोंग के नाम से, मोंग, ये भी गोथिक नॉवेल था, मोंग, है ना। इतना हिट हो गया था मैथ्यू लेविस का ये नॉवेल जो है, द मोंग जो है, इतना हिट हो गया था कि लोग उनको मोंग कहने लगे, लोग उनको मोंग कहने लगे, मैंने इतना हिट हो गया था, है ना। जैसे अमिताभ बच्चन जो है कई फिल्मों में आए, उनका नाम विजय होता था, काफ़ी सारी फिल्मों में उसका नाम जो है वो विजय होने लग गया, शाहरुख खान राहुल, तो राहुल ही चलता रहा वो, है ना, बहुत सारी फिल्मों में, है ना। अमिताभ बच्चन कब लगा विजय नाम, दीवार में, अग्निपथ, विजय दीनानाथ चौहान, तो ये ट्रेंड सेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे मोंक जो है आपका मैथ्यू लेविस का बहुत ही पॉपुलर जो है वो नॉवेल, ये कुछ एक और जो है वो थे उस एज में, उस एज में थे। अब ये कहते हैं हम कि ऐसा नहीं है कि वो 18th सेंचुरी में ही था, 1764 में जब होरेस वालपोल ने लिखा, ऐसा नहीं है वो तभी था। क्या कहता है, द गोथिक इन्फ्लुएंस कंटिन्यूड इनटू द अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर भी, है ना। मैरी शैली जो पी बी शैली की वाइफ थी, बड़ी बहुत बड़ी ऑथर थी भाई पी बी शैली की वाइफ मैरी शैली, ठीक है। वॉल्टर स्कॉट एंड ई टी ए, ठीक है, होप मैन, ये लोग जो हैं, इवन डिकन्स भी विक्टोरियन एज में, इवन ये लोग भी सुपर नेचुरल जो है वो नॉवेल्स लिखते थे, सुपर नेचुरल चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपके सामने जो है वो रखते थे, ये लोग भी जो हैं रखते थे, है ना। द अर्ली विक्टोरियन कंटिन्यूड टू द यूज ऑफ द गोथिक इन नॉवेल्स बाई चार्ल्स डिकन्स और ब्रोंटी सिस्टर्स। ये ब्रोंटी सिस्टर्स जो हैं, एमिली ब्रोंटी, चार्लोटी ब्रोंटी, ये भी होते थे, लेकिन सबसे बड़ा जो है इसमें जो रोल रहा आपका, भी किस तरीके से ये फिक्शन जो है आपका अमेरिका जो है वहाँ भी पहुँच गया, है ना, अमेरिका जो है वहाँ भी, और अमेरिका में जो आपके नॉवलिस्ट थे, ठीक है, वो आपके, है ना, एज वेल वर्क्स बाय द अमेरिकन राइटर्स। एक तो एडगर एलन पो, बहुत बड़ा नाम है, और एक नेथनिल हाउथोर्न, द स्कारलेट लेटर। एडगर एलन पो और नेथलिन हाउन, ये अमेरिकन थे। देखो 18वीं में शुरू हुआ इंग्लैंड में, 18वीं में शुरू हुआ, आपको 5-7 नाम है, होरेस वालपोल है नाम, ठीक है, क्लैरा रीव है, मैथ्यू लेविस हैं, ये याद रखने हैं, एन रेडक्लिफ है, ये नाम याद रखने हैं। फिर उसके बाद में ये 19th सेंचुरी में चला गया डिकन्स वाले एज में, वहाँ पे डिकन्स खुद और ब्रोंटी सिस्टर्स जो हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है आपका पीछे आप पढ़ करके आए हो, है ना, मैरी शैले हैं, वॉल्टर स्कॉट हैं, ई टी ए होपमैन, ये लोग जो हैं वो भी लिखते थे। आप इसका देखिए प्रभाव, देखिए कितना बड़ा है इसका प्रभाव जो है वो कितना बड़ा है। नेक्स्ट जो है आपका कि ये जो है, ये मैं बता चुका हूँ एटमोलॉजी, कि किस तरीके से गोथ जो है वो ट्राइब थी, उससे गोथिक बना, ये आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते थे, और मिडाइवल एज में गोथ्स थे, तो इसका नाम दरअसल गोथिक जनरली अब मिडाइवल जो है वो कहा जाने लगा है। अच्छा,
गोथिक फिक्शन जो है ना एक्चुअली इमर्ज्ड एज ए सब जोनर ऑफ रोमांटिसिज्म, ये बात भी बता दी मैंने, रोमांटिसिज्म का ही एक टाइप है, रोमांटिसिज्म से थोड़ा पहले डेवलप हुआ, प्री रोमांटिक एज में। भाई रोमांटिसिज्म क्या है? काल्पनिक साहित्य है, इमेजिनेटिव लिटरेचर है, जो क्लासिकल जो है उसको बायकोट करता है ना। तो ये सारा जो है वो लिखा है कि रोमांटिसिज्म जो है वही गोथिसिज्म है, ठीक है, वही आपका जो है रोमांटिसिज्म और गोथिसिज्म ये सेम है, ठीक है। फर्क क्या है? दो गोथिसिज्म शेयर्ड मैनी फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, गोथिसिज्म जो है उसमें रोमांटिसिज्म के कई सारे फीचर्स हैं, है ना, लेकिन ये डार्कर साइड ऑफ ह्यूमैनिटी को फॉलो करता है, डार्कर साइड, भूत प्रेत इविल बुराई। रोमांटिसिज्म थोड़ा सा ब्राइटर साइड को बताता है, वो अच्छी। अब वो क्या है? वो फेरीज हैं। रोमांटिसिज्म में क्या है? परियां हैं, है तो सुपर नेचुरल, लेकिन परियां हैं, वो ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ है। सुपर नेचुरल दोनों हैं, काल्पनिक दोनों हैं। वर्ड्सवर्थ जो है वो परियों की बात बताएगा, कॉलरीज परियों की बात बताएंगे, फेरीज एंड एल्व्स की बात बताएंगे, और ये दुष्ट जो है डार्कर साइड ऑफ ह्यूमैनिटी की बात बताएंगे, इविल की बात बताएंगे, बुराई की बात बताएंगे, बुरी शक्तियों की बात बताएंगे। ये हल्का सा फर्क है ये रोमांटिसिज्म का ही एक सब जोनर। गोथिक जो है वो रोमांटिसिज्म का ही एक सब जोनर है आपका, है ना। एज अपोज टू द एनलाइटनमेंट, बताओ एनलाइटनमेंट जो है उसके तो अपोज्ड है ही। एनलाइटनमेंट तो ड्राइडन और पोप का एज है, वो रीजन का एज है, वो तर्क वितर्क का एज है, है ना। ये जो था एनलाइटनमेंट, ये रीजन को और साइंस जो है, ठीक है, उसको प्राथमिकता दिखता था, सुपरस्टिशन और ब्लाइंड फेथ जो उसके ऊपर, है ना। गोथिक राइटर्स जो हैं इनका एक ही उद्देश्य था, टू थ्रिल फीलिंग्स, भैया अंदर तक कंपकंपी जगा दो, फीलिंग्स जो हैं अंदर तक जो है, एंड इमोशंस अमंग द रीडर्स। दे मेनली फोकस्ड ऑन ह्यूमन फैलिबिलिटी वीकनेस, है ना, मानवीय कमजोरियां जो है इनको उभारते थे भी, आदमी कितना मजबूर होता है सुपर नेचुरल पावर्स के आगे, कितना मजबूर होता है, कितना लाचार होता है, ये सब कुछ जो है वो बताया है। क्या क्या होता है इसमें, है ना, मैं बता चुका हूँ, सब बता चुका हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे इसकी जो सेटिंग होती है, या तो कैसल होते हैं, या मेंशंस होते हैं, या रिमोट चर्चेज होते हैं, ठीक है, पुराने चर्चेज जो हैं वो होते हैं, ये इसकी सेटिंग होती है, पुरानी हवेलियाँ जो हैं। अब उन हवेलियों में हिडन पैसेजेज होते हैं, है ना, अचानक से कोई दरवाज़ा, एक अचानक से कोई गैलरी में चले गए, वहाँ पे कोई दरवाज़ा था, अंदर घुस गए, अब आ ही नहीं रहे बाहर, अब कहानी अंदर ही चल रही है उसकी, है। ट्रैप डोर्स होते हैं, कोई ऐसा दरवाज़ा खोला जिसने अंदर गए और वो खुला ही नहीं वापस, आप उसमें फंस करके रह गए। डंजन्स और सीक्रेट रूम्स होते हैं उन महलों में, है ना, गुफाएं होती हैं, सीक्रेट रूम्स होते हैं, वहाँ फंस गए, है ना। डेक्लाइन फ्रॉम इट्स फॉर्मर ग्रेटनेस, यानी ये जो हवेली थी किसी ज़माने में ग्रैंड हुआ करती थी, ग्रेट हुआ करती थी, भव्य हुआ करती थी, अब ये बंजर हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, है ना, ये कहते हैं डेक्लाइन उसका जो है। अच्छा, ब्लीक फॉरबिडिंग इन्वायरमेंट, ब्लीक माने होता है सैड, ठीक है, हमेशा जो है ब्लीक, है ना, फॉरबिडिंग का मतलब होता है प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणियाँ, वो आती रहती है इन्वायरमेंट में, है ना। डार्क फॉरेस्ट होते हैं, इम्पोजिंग माउंटेन्स होते हैं, स्टॉर्मी वेदर, बताओ भूत प्रेत दिखाने हैं तो कहाँ दिखाओगे, बताओ वातावरण कैसा होना चाहिए, हल्की हल्की सी बारिश चल रही हो, हैं, पेड़ पौधे हरे भरे दिख रहे हो, मस्त मस्त माहौल, ऐसा वातावरण दिखाएंगे भूत प्रेत में, ना जी ना, ये अंधेरी रात, ठीक है, तूफान, बादलों की गड़गड़ाहट, ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। किसी को सफ़ेद साड़ी पहन के गलियारे में मोमबत्ती लेके जब वो गुजारना है, तो बाहर जो बादल तो गड़केंगे कि नहीं गड़केंगे, बिल्कुल गड़केंगे, है ना। एरियाज फार अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन, ये जो हवेली होती थी, मेंशन जो होता था, ये दूर होता था, बहुत ज़्यादा दूर होता था। एटमोसफेयर में क्या होता था? मिस्ट्री, रहस्य, हॉरर, डर, ड्रेड का मतलब ही डर, भय, ये सब एटमोसफेयर में होता था, बिल्कुल होता था, है ना। प्रोटेगोनिस्ट जो है वो क्या है? एलिमेंट्स ऑफ गोथिक लिटरेचर प्रोटेगोनिस्ट, प्रोटेगोनिस्ट में क्या खास बात होती थी? द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ गोथिक लिटरेचर आर आइसोलेटेड और एलोन, भैया एक हवेली में जाके फंस गए, वो जो भी उसके सेंट्रल करेक्टर्स हैं वो हवेली में जाके फंस गए और वहाँ आइसोलेट हो गए, अकेले हो गए, सिविलाइजेशन से बहुत दूर, शहर से बहुत दूर, आबादी से बहुत दूर, ठीक है। नंबर वन, फिजिकल ट्रैप्ड इन ए हाउस फार फ्रॉम सिविलाइजेशन, बता दिया, शारीरिक रूप से बहुत परेशान है।
इमोशनल कट ऑफ फ्रॉम द पीपल अराउंड हर, वो जो प्रोटेगोनिस्ट है जनरली वो एक फीमेल होती थी, तो वो इमोशनल जो है वो कट ऑफ हो जाता था उसका वहाँ एटमोसफियर से जो है ना, सेल्फ इम्पोज्ड और रिजल्ट ऑफ सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड हर कंट्रोल, वो थोड़ा सा आइसोलेटेड है, इंट्रोवर्ट है और सर्कमस्टांसिस उसकी कंट्रोल में नहीं रहती है, बिल्कुल नहीं रहती है कंट्रोल में। प्लॉट इन्वॉल्व्स हिडन सीक्रेट्स विच थ्रेटन द प्रोटेगनिस्ट, हिडन सीक्रेट्स होते हैं, कोई भविष्यवाणी कि तेरे दादा ने जब ये किया था और मैं तेरे साथ ये करूँगा, अरे तू दादा ने किया था तो मेरे साथ क्यों करेगी भाई, है भूतनी है तो अपने एथिक्स तो मत छोड़, भूतनी है तो अपने नैतिकता तो मत छोड़, है। प्लॉट इन्वॉल्व्स हिडन सीक्रेट्स विच थ्रेटन द प्रोटेगनिस्ट एलिमेंट्स, इमोशंस रन हाई इन द गोथिक लिटरेचर, भाई साहब इमोशन खतरनाक, आप बैठो ना ऐसे काम तरह अब क्या होगा अब क्या होगा, है। करेक्टर्स आर ऑफन पैशनेट एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड, करेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग विल होते हैं, आपकी तरह नहीं जो थिएटर में बैठ करके कांप रहे हो, नॉवेल पढ़ते पढ़ते कांप रहे हो, वो तो स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, वो तो भूत प्रेत से सामना कर रहे हैं, अब भूत प्रेत से सामना करेगा तो कोई ऐसा वैसा थोड़ी होगा। डिफाइंग अदर्स और इवन देयर ओन कॉमन सेंस इन द परस्यूट ऑफ देयर गोल्स, और वो अपने गोल्स को हासिल करने के लिए जाते हैं, एडवेंचर के लिए जाते हैं उस महल में, है ना। वीमेन आर ऑफन क्यूरियस एंड हैव ए टेंडेंसी टू स्वून, अब जो औरतें जो होती हैं बड़ी जिज्ञासु होती हैं और बीच बीच में उनको चक्कर भी आ जाते हैं, स्वून चक्कर आ जाते हैं, भूत को देख करके गिर पड़ती हैं। वाइल मैन स्टॉर्म एंड रेज इन रिफ्लेक्शन ऑफ अनसीन इनर टॉर्मेंट्स, आदमी अंदर ही अंदर जो है वो कुलबुलाता रहता है, डरता रहता है लेकिन बाहर से शो करता है कि मैं खुश, मैं जो है वो लड़ रहा हूँ। द इवेंट्स इन गोथिक लिटरेचर एम्फेसाइज हाई इमोशन, ना हाई इमोशन, हाइटेंड सेंस ऑफ ड्रामा, दुनिया भर की नाटकीयता होती है दुनिया भर की, है ना। तो मर्डर होते हैं, किडनैपिंग होती हैं, पीपल गोइंग मैड, भैया पागल हो जाते हैं डर के मारे, पागल हो जाते हैं, ठीक है। महिलाएं लड़कियां बाल खोल करके ऐसे ऐसे करने लगती हैं, हैं पागल हो जाते हैं। अब उनको कौन बताए, मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ इनको जो है वो सही कर देंगे वहां पे जाओ, हाँ। और ठीक है, लिखा ना एलिमेंट्स ऑफ डैमसेल्स इन डिस्ट्रेस, बहुत ही अच्छी फ्रेज है। डैमसेल का मतलब होता है ए गर्ल, ठीक है, निराशा में लड़की। एक डैमसेल जो है, डैमसेल इन डिस्ट्रेस मोटिफ अपीयर्स क्वाइट ऑफन इन गोथिक लिटरेचर, यहाँ पे एक ऐसी लड़की को मैंने पहले ही बताया कि प्रोटेगोनिस्ट जनरली एक फीमेल होती है जो निराशा में होती है, आइसोलेटेड होती है, इंट्रोवर्ट होती है और जो सर्कमस्टांसिस से लड़ नहीं पाती और वहाँ पर जाकर के फंस जाती है। तो ये डैमसेल इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है निराशा में, है ना। और विद वीमेन थ्रेटेंड बाई टायरेनिकल मैन और जस्ट द सर्कमस्टांसिस इन विच दे फाइंड देमसेल्व्स, दे ऑफन अपीयर फ्राइटेंड एंड मे सफर फ्रॉम सम काइंड ऑफ एलमेंट, उनको कोई बीमारी भी है, एलमेंट जो है बीमार भी है वो, तो ये सब कुछ जो वो चलता रहता है। ओमनिनस इम्प्लीकेशंस प्रिसीड डार्क इवेंट्स इन द, वहाँ पर एक भविष्यवाणी भी होती है, मैंने पहले ही बताया फॉरबिडिंग, एक कोई प्रेडिक्शन होती है जो ये बताती है आपको कि ये सारा का सारा जो है अनलक्की ओमेंस होते हैं। एंशियंट कर्स, एंशियंट कर्स का मतलब क्या हो गया कि तेरे दादा ने पुराना कोई श्राप, तेरे दादा ने ये किया था और उस तब उसने कर्स दिया था इस पूरे खानदान को ख़त्म कर देंगे, अरे कर दे दो, यहाँ पे खुश कौन है, पूरे खानदान को नहीं हमारी पूरी तीन तीन जनरेशन को कर दे, है नहीं, गलत नहीं बोलना, सुबह सुबह गलत नहीं बोलना, क्यों कर दे ख़त्म, हम जियेंगे, हाँ। लिंगर इन द ईयर एयर एंड डार्क फोर्सेस बियॉन्ड द प्रोटेगोनिस्ट कंट्रोल, तो ये एंशियंट कर्सेस, ओमेंस, इविल फॉरबिडिंग्स, ये सब कुछ जो वो चलता रहता है। द ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ ए गोथिक वर्ल्ड इज वन ऑफ द डिके, है ना, ए फॉर्मली ग्रेट फैमिली कम्युनिटी, पहले बहुत बड़ा परिवार था, बाद में जो है वो ख़त्म हो गया किसी कोई शराब के कारण, किसी और चीज़ के कारण जो है वो आपका ख़त्म हो गया। तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, द सुपर नेचुरल सारी चीज़ें रिपीट हैं, जो मैंने शुरू में जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया उसी को लेकर के ही चीज़ें, उसी को लेकर के ही चीज़ें जो है वो पूछी जाएंगी आपको जो है, कि अल्टीमेटली जो है कुछ नॉवेल्स में रैशनल एक्सप्लेनेशन जो है वो देने की कोशिश की जाती है लेकिन वो आपका हर नॉवेल में नहीं होता है, है ना। अमेरिकन गोथिक की बात मैंने बता दी, वहाँ पे एडगर एलन पो हैं, नेथनल हाउथोर्न है, इन्होंने वहाँ पर जो है, वाइल गोथिक लिटरेचर वॉज फ्लोरिशिंग इन इंग्लैंड, अमेरिकन लिटरेचर वॉज इन द मिडस्ट ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिज्म, ये लगभग लगभग ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है इसका संबंध भी जो है, ठीक है, समथिंग अबाउट द अर्ली लाइफ,
मतलब आपका जो जीवन है, अर्दली लाइफ जो है, उससे ऊपर की चीज़ें जो है उसको ट्रांसेंडेंटलिज्म कहते हैं। तो अमेरिकन गोथिक जो है फिक्शन, दैट इज़ अबाउट ओल्ड ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है। कुछ नॉवेल्स जो हैं आपके, ठीक है, जिसमें आपके है ना टेरर, गोथिक और ये सारी चीज़ें देती हैं। ये जो स्लाइड आगे देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है आपका ये द कैसल ऑफ ओरेंटो है, ठीक है, जो होरेस वालपोल का है, और द हिस्ट्री ऑफ द है ना खलीफ वेटक जो है, द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन रेडक्लिफ का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में द मोंक मैथ्यू लविस, आपको याद होगा मैंने इसके बारे में क्या बताया था, मोंक के बारे में है ना, वीलैंड और फ्रैंकस्टीन बाई मैरी शैली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर जो मुझे चार वर्क लिखने को बोला जाए तो मैं उनमें से एक जो है एडगर एलन पो का चुनूंगा, एक होरेस वालपोल का चुनूंगा, एक मैरी शैली का चुनूंगा और एक मैथ्यू लेविस का चुनूंगा, मोंक जो, अगर जो चार बड़े वर्क मुझे बोले जाए, एक तो पहला होरेस वालपोल का द कैसल ऑफ ओरेंटो, दूसरा मोंक और तीसरा फ्रैंकस्टीन, और चौथा एडगर एलन पो, जहाँ भी आएगा आपका है ना, ये विक्टर ह्यूगो का है, ये एडगर एलन पो का है, ये वाला है ना, ये चार वर्क जो मैं चुनूंगा। और नेथनल हाउथोर्न, ये दोनों अमेरिकन हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट वर्क है ना, डोंट वरी, आपका जो भी नोट्स हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, डोंट वरी अबाउट द नोट्स एंड द पीडीएफ, एवरीथिंग विल बी देयर इन योर ऐप, आपके ऐप में ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, आपको किसी भी तरह से इसको डरने की या की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इनको देखेंगे। और दिस इज ऑल अबाउट द गोथिक फिक्शन, ये कुछ नॉवेल्स के नेम और दी हैं, लेकिन जैसे ड्रैकुला है, आपने ड्रैकुला का नाम सुना है ना, जो खून पीती है इंसानों का, ब्रैम स्टोकर ने लिखा था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ड्रैकुला जो है वो ब्रैम स्टोकर ने लिखा था, खून पीती है, आदमियों का पीती है, औरतों का नहीं पीती है, आदमियों का पीती है और गर्म गर्म पीती है ड्रैकुला जो है। ड्रैकुला के बारे में और अतिरिक्त जानकारी विकिपीडिया आपको देगा कि ड्रैकुला क्या करती है और क्या नहीं करती है, अभी नहीं देखना है, रात को देखना अंधेरे में, कमरा बंद करके, लाइट बंद करके, फिर ड्रैकुला टाइप करना गूगल में और विकिपीडिया का लिंक खोलना और हल्का सा म्यूजिक चला देना, थोड़ा सा पीछे डरावना वाला जो है, ची ची करता हुआ जो है ना, फिर मज़ा आएगा, फिर अच्छा लगेगा। क्वेश्चन गया भाड़ में, एग्जाम में क्वेश्चन का क्या करना हो, क्वेश्चन थोड़ी सही करना है, फीलिंग आनी चाहिए। कई लोग क्या है, सिर्फ फीलिंग लेते हैं, कई लोग जो है ना वो क्या फीलिंग, जैसे मैं भी लेने लग जाता हूँ कई बार, सिर्फ फीलिंग लेते हैं, उन्हें फीलिंग नहीं लेना है, क्वेश्चन सही करना है एग्जाम में, क्वेश्चन जो है वो सही करना है, फीलिंग नहीं लेना है। कई लोग क्या है फीलिंग लेने लग जाते हैं, जब फीलिंग लेने लग जाते हैं तो फिर फीलिंग लेते हैं, वो फीलिंग नहीं लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है। दैट वॉज ऑल अबाउट द गोथिक फिक्शन एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मूवमेंट एंड होप यू माइट हैव लाइक द प्रेजेंटेशन।